इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों की सुर्खियां। आज बाजार, दफ्तर, फैक्ट्रियां, तिजारत खुलने से आवाम को राहत की सांस लेते हुए देखा गया। बाजारों में भीड़ भी नजर आ रही थी। पिछले दो महीने से भी ज्यादा से बंद कारोबार रात तक खुले रखने का इत्मीनान दिखाई दे रहा था। हर तरफ बाजारों में चहल पहल और ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही थी। आज फिर कोरोना मरीजों की तादाद बतौर सरकारी आंकड़ा 95 रहा। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 44 और 3 की मौत दर्ज की गई। आज फिर कोरोना वैक्सीन को लेकर आवाम को कतार में खड़े देखा गया। वैक्सीन की कमी को महसूस किया जा रहा है। अक्सर वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन खत्म होने की तख्तियां लगाई नजर आ रही थी, जिससे आवाम में नाराजगी भी देखी जा रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक विम्स में सुबह से ही वैक्सीन के लिए कतार लगाने का मंजर देखा जा रहा है। 12वीं इम्तिहान रिपीटर्स भी होंगे अब पास। रिपीटर्स के लिए यह खुशखबरी आज यूरोपा हुकूमत की जानिब से दी गई। इससे पहले तकरीबन 7 लाख यूसी तलबा इम्तिहान दिए बगैर पास हो चुके हैं। अब फिर से तकरीबन 1 लाख रिपीटर्स भी बिना इम्तिहान के पास होंगे, ऐसा ऐलान तालीमी महकमा की जानिब से किया गया। बच्चों को भी चोरी करते देखे जाने की वारदात शाहपुर गार्डन के सामने पेश आई है। आजकल साइकिल भी काफी महंगी हो चुकी है, खासतौर पर स्पोर्ट्स साइकिल के दाम तो मोटरसाइकिल के बराबर हो चुके हैं। लिहाजा इसी साइकिलों की चोरी में इजाफा होता देखा जा रहा है। खासकर नाबालिग बच्चे साइकिल को चोरी करते हुए देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की वारदात कैद की गई। सिविल अस्पताल के सामने बिजली की खुली तार को हेस्कॉम मुलाजमीन की जानिब से गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते देखा गया, जिसमें सामाजिक खिदमतगार अब्दुल गफ्फार शेख की जानिब से पूछे जाने पर अपनी जिम्मेदारी से किनारा करते हुए हेस्कॉम मुलाजमीन को देखा गया। हकीकत यह है कि दरअसल कुछ लोग कॉरपोरेशन महकमा को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करे, लेकिन ये जिम्मेदारी हेस्कॉम की ही है, क्योंकि बिजली के खंभों के स्विच के लिए टेंडर निकाले जाते हैं और बिठाए भी जाते हैं, जिसके बाद कोई दोबारा इसकी मरम्मत के लिए पलट कर नहीं आता, जबकि यह जिम्मेदारी हेस्कॉम के मुलाजिमों की ही होती है। बेलगाम कॉरपोरेशन के सामने फहराया गया कन्नड़ परचम, वैसे भी कन्नड़ मराठी तनाजे का बास बन चुका था। इसे लेकर मराठी तंजीमों ने एहतजाज भी किया था। लिहाजा एक बार फिर कन्नड़ तंजीमों की जानिब से नया परचम लहराने की मांग की गई। इनका कहना था कि पहले का परचम काफी पुराना हो चुका है, इसे तब्दील कर नया लहराया जाए, लेकिन पुलिस मुकर्रमा ने तमाम कन्नड़ तंजीमों के अपराध को गिरफ्तार कर बाद में रिहा कर दिया। बेलगाम शहर में चोरी की वारदातों में इजाफा देखा जा रहा है। एक बार फिर रामतीर्थ नगर के घर का दरवाजा तोड़कर सोने के गहने, नगद रकम और कीमती सामान जिसकी कीमत 1,17,000 के करीब है चोरी की गई। मामला माल मारुति थाने में दर्ज हुआ है। 2023 इंतखाबात के मद्देनजर कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत इख्तदार पर लाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की जानिब से की जा रही है। डीके शिवकुमार की जानिब से ली जा रही मीटिंगें इजलास पूरी रियासत में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश यही दर्शाती है कि एक बार फिर कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत लाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार कर रहे हैं। कर्नाटक में एक बार फिर तालीमी महकमा की जानिब से विद्यागम मुहिम शुरू करने का इरादा। टास्क फोर्स के रिपोर्ट का इंतजार, जल्द लिया जाएगा फैसला। कुमार स्वामी यड्रप्पा मुलाकात से एक बार फिर जेडीएस भाजपा का साथ देगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। क्या भाजपा को वाकई जेडीएस का साथ जरूरी है? बीजेपी जेडीएस दोस्ताना फिर सवालों के घेरे में। कुमार स्वामी यड्रप्पा मुलाकात पर सियासी बहस जारी। अहम खबरों के बाद अहम मौजू की तरफ एक नजर। आखिर आरएसएस को मुसलमानों से हमदर्दी क्यों? आज का यही मौजू है। आपको यह जुमला सुनकर भी ताज्जुब होगा कि आरएसएस को मुसलमानों से हमदर्दी कब से होने लगी, जबकि मुसलमान ही तो असल खुराक है। पर यह सच है कि अचानक आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत को मुसलमानों से हमदर्दी होने लगी है और उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं है बल्कि एक ही है और दोनों का डीएनए भी एक ही है। आगे यह भी कहा कि अगर कोई यह कहे कि मुसलमान भारत में नहीं रह सकते तो वो हिंदू ही नहीं है। जितने भी जुमले आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने इस्तेमाल किया है, इसे कोई भी कट्टरवादी हिंदुत्ववादी हजम तो नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि मॉब लिंचिंग के जरिए
किसी का कत्ल करना हिंदू मजहबी इजाजत ही नहीं देता। लिहाजा भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर मुल्क है और इसमें तमाम मजाहिब के लोगों को बराबर का हक है। भारत में किसी भी मजहब का यानी किसी भी अक्सरियत वाली जमात का अकलियतों पर दबाव नहीं रहेगा। मुसलमानों को चाहिए कि वे बेखौफ भारत में रह सकते हैं और किसी तरह डर अपने दिल में रखने की जरूरत नहीं है। भारत एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। और भी कई बातें कही जिससे आपको लगेगा कि शायद कोई बहुत बड़ा सेक्युलर लीडर इस मुल्क के हक में और खासकर अकलियती मुसलमानों के हक में बोल रहा है। अब जिस तरह मोहन भागवत मुसलमानों के हक में बोल रहे थे उसी तरह इजलास भी उसी नहज का था जिसमें आरएसएस से जुड़े मुसलमानों का अब हकीकत में है या नहीं मालूम, पर आरएसएस में जो मुसलमान है उन्हीं की एक तंजीम बनाई गई है जिसमें मुसलमानों को जोड़कर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया गया। इसी मुस्लिम मंच के इजलास में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मोहन भागवत ने यह बातें कही। अब सवाल ये उठता है कि मुसलमानों के हक में आरएसएस का बोलना ना तो किसी हिंदुत्ववादी को हजम होता और ना ही किसी मुसलमान को, क्योंकि आरएसएस जनसंघ की पैदाइश है और जनसंघ मुस्लिम दुश्मनी में बनी हुई है और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। खासकर जब से मोदी हुकूमत आई है तब से मुस्लिम मुखालिफत में इजाफा होता जा रहा है और आरएसएस के साथ ही जो हिंदुत्ववादी तंजीमें हैं जिसमें बजरंग दल है, फिर वीएचपी है और भी कई सारे दल जिन्हें कहा जाता है, ये तमाम तर जो है मुस्लिम दुश्मनी में ही बने हुए हैं। लिहाजा खासकर जब से मोदी हुकूमत आई है तब से मुस्लिम मुखालिफत में इजाफा ही होता रहता है जिससे भारत के आम मुसलमानों में इनसिक्योरिटी का एहसास जरूर पैदा हुआ है। अब जब मुसलमानों के हक में सेक्युलर लीडर की तरह बातें करना महज दिशाभूल करने के लिए हो सकता है, क्योंकि जो बातें खुद मोहन भागवत कर रहे हैं इस पर खुद इन्हीं के कथित राष्ट्रवादी अमल नहीं करते जब तक के इन्हें मुसलमानों के खिलाफ इस्लाम के खिलाफ जहर उगला नहीं जाता तब तक इन्हें सुकून भी नहीं मिलता। तमाम दास्तान खुद अपने आप में दलील है। भाजपा की असल रूह ही संघ की विचारधारा और संघ का नज़्मुल ऐन हिंदू राष्ट्र है। जब इनका मकसद ही हिंदू राष्ट्र है तो फिर इस मुल्क को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहकर सभी मजाहिब के लोग एक साथ रहने की बात कम से कम आरएसएस को तो जेब नहीं देती। खुलेआम सड़कों पर भगवा परचम लहराते हुए जय श्री राम या फिर इस मुल्क में रहना है तो जैसे कई नारे हैं जो मुसलमानों को डराने के लिए ही तो लगाए जाते हैं। अब रही मुसलमानों में आरएसएस का कोई फर्द अपने खिदमात अंजाम दे रहा हो यह मुश्किल जरूर लगता है, पर इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब इस दौर फितर में अपनी जान बचाने के लिए या तो किसी तरह का आगे खतरा ना हो इसके लिए मुनाफिकों की कमी मुसलमानों में तो नजर नहीं आती और अब तो अपने लिहाज से इस्लाम मुसलमानों की परिभाषा की जा रही है और यह मामला पूरी दुनिया भर में इस तरह का नजारा देखा जा सकता है। आज का मुसलमान किसी तरह का कोई खतरा उठाना नहीं चाहता, अब तो इसे आखिरत पर भी भरोसा ही नहीं रहा शायद। तभी तो मुस्लिम मुखालिफ तंजीमों का हिस्सा बनने के लिए हर तरह का समझौता करता रहता है। इसके पास तमाम तरह की दलीलें भी होती हैं कौम की हमदर्दी में बताकर, यानी हम उस तरफ रहेंगे तो अपनी कौम की खिदमत करने की बात करते रहते हैं और ऐसे ही लोगों की तादाद अब बढ़ते जा रही है। लिहाजा इस बात का इनकार करना भी मुश्किल है कि आरएसएस में कोई मुसलमान ना होगा। अगर नहीं भी है तो मुस्लिम नाम वालों को दिखाया जाता है सर पर जाली वाली टोपी पहनाकर और आरएसएस में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे कई लोग हैं जो ठीक ठाक उर्दू बोलकर मुसलमानों को बेवकूफ भी बनाते रहते हैं। खैर कहने का मतलब अचानक मोहन भागवत के यह जुमले सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। साथ में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जैसी तंजीमों का भी वजूद अब सामने आने लगा है। भले ही मोहन भागवत कितना ही कहे और यह तमाम महज कहने के लिए ही बातें होती है, असल में अमर कोई नहीं करता क्योंकि मुसलमानों को भला बुरा कहे बगैर भारत की सियासत चल ही नहीं सकती। वरना तो आज भी कई सारे अंधभक्त यह कहते हुए भी सुना जाता है कि अगर 200 रुपए पेट्रोल भी हो जाए तो हम वोट तो मोदी को ही देंगे। यानी विचारधारा में किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। तमाम बातें महज ऑन रिकॉर्ड के लिए रहती है ताकि हमने फसाद बर्पा भी किया तो कोई यह ना कहे कि इन्होंने भाईचारे की बात कभी कही नहीं थी। वैसे तो बड़े बड़े जुमले क्या प्रधानमंत्री ने कम कहे, लिहाजा इसकी कोई अहमियत नहीं रहती। तभी तो इतने मॉब लिंचिंग होते रहते हैं। जिस सोच पर और मुस्लिम नफरत पर आरएसएस जनसंघ या हिंदुत्व की तंजीमें बनी हुई है इनके लिए यह महज जुमले है और इन्हें यह सब मालूम है। तभी तो गोदी मीडिया सुबह शाम यह बातें शाया कर रही है ताकि फिर कोई बड़ा इकदाम करे तो यह कहने के लिए जगह रहे कि देखो हमने तो सरेआम मॉब लिंचिंग मुसलमानों को देश से बाहर करने का या फिर हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि जमहूरी मुल्क का होने का दावा किया था। हो सकता है कि सियासी पहलू भी हो क्योंकि यूपी में जल्द यानी कि 2022 के इंतखाबात नजदीक है, पर यह बात कुछ हजम नहीं होती कि हिंदुत्व को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करे। पर
दूसरी तरफ यह भी महसूस होने लगता है कि हिंदुत्व का जितना फायदा उठाना है ये संघी विचारधारा के लोग उठा चुके हैं और आवाम भी उग चुके हैं। अब आवाम को ठगना आसान नहीं है। राम मंदिर का भी मसला हल हो गया, बंगाल चुनाव के बाद कुछ और हिम्मत भाजपा संघी विचारधारा के लोगों की टूट चुकी है। लिहाजा यह मोहन भागवत का पैंतरा किस पस मंजर में है कहना जल्दबाजी होगी, लिहाजा इतना तो जरूर है कि अपनी बुनियादी सोचो फिक्र से आरएसएस का दूसरी तरफ मुंतकिल होना बहुत मुश्किल है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए मुसलमानों में तफरका, मसलक के अख्तलाफ, इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ साजिशों को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि मौजूदा दौर में मुसलमानों में दुनिया की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई पाई जाती है। वहीं आरएसएस किसी भी हद तक मुस्लिम माशरे का नुकसान करने में पीछे नहीं हट सकती। आज तक शायद किसी मस्जिद में आरएसएस की साजिशों इनके मंसूबों पर किसी मौलाना आलिम ने बयान दिया हो, अगर दिया भी है तो बहुत कम मेंबरों से। मुसलमानों के अक्सर तबके को जनसंघ आरएसएस की विचारधारा का इल्म ही नहीं है। कौम मुस्लिम में मुनाफिकत बढ़ती जा रही है, लिहाजा इसका फायदा आरएसएस जरूर उठा सकता है। जब आरएसएस की शाख के तौर पर मुस्लिम मोर्चा बन सकता है तो आगे कहने की जरूरत ही नहीं है। हम और कितना गिरने वाले हैं पता नहीं, आखिर आसमान से हम पर रहमतें नाजिल होंगी तो किस बुनियाद पर। किसी शायर ने कहा है कि फिक्र मिल्लत कर कयामत आने वाली है, तेरी बर्बादी के चर्चे हैं आसमानों में। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।